ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम का डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन को मंदिर के रसोई घर का रखरखाव सही न होने के संबंधी शिकायतें मिल रही थी। डीसी ने जहां मंदिर में चल रहे सौंदर्यकरण व निर्माण कार्यों की समीक्षा की, वही 3 साल से बन रहे शिव मंदिर के निर्माण में गति लाते हुए इसे 6 माह में पूरा करने के निर्देश जारी किए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम का डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन को मंदिर के रसोई घर का रखरखाव सही न होने संबंधी शिकायतें मिल रही थी। डीसी ने जहां मंदिर में चल रहे सौंदर्यकरण व निर्माण कार्यों की समीक्षा की, वही 3 साल से बन रहे शिव मंदिर के निर्माण में गति लाते हुए इसे 6 माह में पूरा करने के निर्देश जारी किए। यही नहीं, डीसी ने विकास कार्यों में हो रही देरी पर जहां अधिकारियों को फटकार लगाई, वहीं भविष्य कार्यों संबंधी अधिकारियों व मंदिर स्टाफ की जिम्मेवारी भी तय की। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि मंदिर परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, इसके साथ मंदिर प्रशासन को नियमित तौर पर स्वच्छता का निरीक्षण करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि लंगर में भी श्रद्धालुओं के लिए बेहतर भोजन व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि मंदिर में देश तथा विदेशों से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं तथा श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मंदिर का औचक निरीक्षण करके एडीबी के तहत चल रहे कार्यों और शिव मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। रसोई घर का भी निरीक्षण किया गया, क्योंकि इसका रखरखाव सही न होने की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान मौके पर मंदिर स्टाफ की जिम्मेदारियां भी तय की गई। चामुंडा मंदिर का एक औचक निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, और बहुत सारे मुद्दे थे उसमें। एक तो उसमें जो एडीबी का काम चल रहा है उसकी जो प्रगति है उसकी समीक्षा करनी थी, साथ ही शिव मंदिर का काम जो चला हुआ है उसमें थोड़ा लेट लतीफ़ी हो रही थी, उसकी भी समीक्षा करनी थी। साथ ही कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, जैसे रसोई घर का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है और जो पूजा अर्चना करने की पद्धति है उसमें कुछ ढीलापन कुछ लोगों को नज़र आया था। इसके बारे में मेरे को सूचित किया गया था, उसी आधार पर ये दौरा किया गया और मौके पे ही लोगों को ये बताया गया कि क्या किसकी क्या जिम्मेदारी है, और अगले दौरे में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सारी चीज़ें ठीक ढंग से चल रही हों। साथ ही वहाँ पर आपको पता होगा कि एक भवन का निर्माण हो रहा था जिसका अभी भी ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि किस कार्य के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें मैंने उनको बोला है कि मंडे को एक बैठक करें 27 तारीख को, और इस निर्णय को ट्रस्ट के माध्यम से पास करें और मेरे समक्ष लाएं ताकि उसमें आगे की कार्रवाई की जा सके। मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का कार्य भी चल रहा है, तो कितनी प्रगति है, कब तक? जो एडीबी का कार्य है वो मार्च 2020 तक कंप्लीट करने के लिए इन्होंने मेरे को बताया है, और जो कार्य की प्रगति है उसको लेकर मुझे भी विश्वास है कि ये मार्च तक हो जाएगा। वहाँ एक छोटी सी समस्या आ रही थी, एक हाईकोर्ट का पेंडिंग मैटर था, तो उनके साथ भी कल शाम को 6 बजे बैठकर जो परिवार है उनके साथ बैठकर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और कोशिश है कि उस कोर्ट केस में जल्द से जल्द वो कोर्ट केस बंद हो और जो एडीबी का कार्य है वहाँ पे पूरा किया जा सके। साथ ही जो शिव मंदिर का कार्य है वो पिछले 3 सालों से चल रहा है, उसका जो डिज़ाइन है वो फाइनल नहीं हो पा रही है। मौके पे ये निर्देश दिया है कि मंडे तक इसके डिज़ाइन को फाइनल करना है और अगले 6 महीने के अंदर उस कार्य को पूरा करना है। सर, एडीबी के तहत कितना पैसा दिया? अभी तो इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये लगभग 5 से 8 करोड़ के बीच में है। मंदिर में दर्शनों हेतु आए श्रद्धालु ने कहा कि पहले मंदिर आते थे तो काफी भीड़ लगी रहती थी, अब मंदिर परिसर काफी खुला हो गया है, निर्माण कार्य और मंदिर की प्रगति हो रही है। कंडस्टेड माहौल होने के कारण पहले हम परिवार में जब आते थे, खास करके महिला वगैरह को लेकर आते थे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडस्टेड हुआ करता था। अब यहाँ पर दुकानें हटाने से काफी खुला हो गया है, और बाकी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे निर्माण कार्य जो चले हुए हैं उससे दिन पर दिन जो यहाँ का स्पेस है वो खुला होता जा रहा है।